कि हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी के मौका पर हाजिर थे। क्या हमने कोई शादी इससे अच्छे नहीं देखी, हमने बिस्तर बिछाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मौलाना हबीबुल रूहानी ऑफिशियल। गलबा इब्ने हमर की रवायत में है कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं कि मैं आपके पास आपकी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पैगाम ले लिया। रावी कहते हैं कि सिलसिला में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़रा और कुछ अपने घर का सामान बेचा जिसकी कीमत 480 दिरहम हुई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दी कि दो तिहाई से आप खुशबू खरीदी जाए और एक तिहाई से कपड़ा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी के मौका पर हाजिर थे। क्या हमने कोई शादी इससे अच्छे नहीं देखी, हमने बिस्तर बिछाया यानी खजूर की छाल और हम खजूर और किशमिश लाए, हमने खाया और हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बिस्तर उनकी शादी की रात में बेड़ की खाल थे। हज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी की जहेज में क्या थी। मेरे दोस्तों, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, इसमें गौर फिक्र करने वाली बात है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस हज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पैगाम लेकर आया रिश्ते का, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अय अली तुमने क्या लेकर आया। शादी के लिए वलीमा भी चाहिए और दीगर ज़रूरियात की सामान भी चाहिए। तो फरमाया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहा कि तुम्हारे पास जो ज़ेरा था वो कहाँ है। बोलो, वो भी ख़राब हो चुके हैं, वो भी अच्छे हालत में नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि अली तुम्हारे रिश्ते के लिए पैगाम लेकर आया, क्या आप राज़ी हो। एक बाप अपने बेटी को पूछते हैं, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसी वक्त रो पड़ी और फिर कहने लगी कि आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो रजामंद हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रजामंद थे, लेकिन क्या थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास उसी ज़ेरा के बदला में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत फातिमा तो ज़हरा के हक महर में वो दिया। क्या हक महर के लिए भी तो कुछ रकम चाहिए, आप क्या लेकर आए। कुछ नहीं, उसी ज़ेरा के बदला में उनकी हक महर शामिल कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मेरे जहेज में हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जहेज में एक चादर और मशकीजा और एक चमड़े का तकिया दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसमें अस्खुर घास की अस्खुर घास से भरा हुआ था उस तकिया के अंदर, कोई अच्छे आला किस्म की तूला या रोई नहीं थे, अस्खुर घास है उससे भरा हुआ था उस तकिया। रुफे फरमाते हैं कि दोनों उसी चादर को आधी बिछा लेते थे और आधी उससे ओढ़ लेते थे। मेरे दोस्तों, फिर फरमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी बेटी फातिमा का निकाह करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मैं फातिमा के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुप्त सुनो होने लगी। जो बेटी जब घर में बड़ी होती है, हर बंदा अपने बेटियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं शादी के रिश्ते वगैरह के सिलसिला में। तो खादिमा से कहा, खादिमा ने कहा कि तुम्हें कुछ इल्म है। हज़रत बुराइदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अंसार की चंद हज़रात ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अगर तुम्हें हज़रत फातिमा तो ज़हरा सैयदा हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रुगबत है तो आपकी खिदमत में जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ और अपने पैगाम पेश कर दो। चुनांचो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास मिंडा है और अंसार के पास से हजरत, मेरे दोस्तों, कि मेरे पास एक मिंडा है
और अंसार के पास से हजाली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कैसा ना जवार के जमा कर दिए है, उसके लिए अलीमा करने के लिए तैयारी की।